चूड़ी जोखन के हाथों में याद पिया किया। Hi guys, welcome back to my channel. My name is Priya. So guys, today's video is about Indian beauty. And अगर Indian beauty की हम बात करते हैं तो फिर चूड़ियों के बिना हमारा जो Indian beauty है वो कुछ अधूरा सा लगता है, right? कि जब भी हमारे इंडिया में कोई फेस्टिवल होता है तो हम एथनिक वेयर पहनते हैं, right? लाइक साड़ियाँ, सूट, लहंगा, तो अगर उन पर हम चूड़ियाँ ना पहने तो फिर वो कुछ मज़ा नहीं आता, right? है ना? एंड चूड़ियों के बिना तो हमारी भारतीय सुंदरता अधूरी सी लगती है। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ चूड़ियों का कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली ये मेरा पर्सनल कलेक्शन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरा बैंगल कलेक्शन कैसा लगा। सो गाइज, चूड़ियाँ किसको पसंद नहीं आती हैं, ये हर इंडियन वुमेन की फेवरेट होती है। इंडिया में तो हर फेस्टिवल एथनिक वेयर एंड चूड़ियों के बिना तो अधूरी ही होती है। सो इसी बात पे एक लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। एक्चुअली गाइस, मुझे भी पर्सनली चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। मैं अपने एथनिक वेयर, चाहे वो साड़ी हो, सूट हो, लहंगा हो, इवन मैं अपने इंडो वेस्टर्न लुक में भी चूड़ियाँ कैरी करना बहुत पसंद करती हूँ। एंड आई होप आपको भी चूड़ियाँ पहनना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली सावन में ग्रीन चूड़ियाँ। एंड गाइस, सावन से याद आया कि सावन आने वाला है, तो सावन में मैं आप लोगों के लिए ग्रीन साड़ी मेकअप लुक लेकर के आने वाली हूँ। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो सावन का मैं ग्रीन साड़ी मेकअप लुक लेकर के आने वाली हूँ, आई विल मेक श्योर आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। चूड़ी जोखन के हाथों में याद पिया किया आने लगी है भीगी भीगी रातों में। आई नो आप लोगों को ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगता होगा ना। एक्चुअली मेरी भी ये पर्सनली फेवरेट है। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज, ये है मेरा बैंगल का कलेक्शन, जैसे कि आप देख सकते हो। एक्चुअली मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन तो नहीं है अभी यहाँ मेरे पास, बाकी तो मेरे घर पे है। जो अभी मेरे पास अवेलेबल है मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइज, एक्चुअली ये सारी चूड़ियाँ जो है मेरी शादी के टाइम की हैं, तो इनमें सिर्फ रेड चूड़ा आपको दिख रहा है जो वो मेरी शादी के टाइम का है। सारे ही हैं, मैंने ज़्यादा टाइम शादी के टाइम ही यूज़ किया था। ये जो आप कलरफुल बैंगल्स देख रहे हो ना, ये सारी मेरी साड़ियों के मैचिंग के हैं। मैंने इन्हें रखा है क्योंकि मैंने कंगन के साथ पहनना प्रेफर करती हूँ। ये जो चूड़ी आप देख रहे हो, चूड़ी का सेट है रेड कलर का, ये मेरी एक्चुअली रिसेप्शन की लहंगे की चूड़ी का सेट है। मैं उसकी भी पिक्चर आपके साथ शेयर करूँगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसमें जो बैंगल्स लगे हैं ना, ये मल्टीपर्पज़ के बैंगल्स हैं, मतलब आप किसी भी साड़ी पे, गोल्डन कलर के हैं, किसी भी साड़ी पे, किसी हैवी साड़ी पे की चूड़ियों के साथ आप इसे कैरी कर सकते हो। एंड गाइस, इसमें लटकन भी लगे हुए थे क्योंकि ब्राइडल में होता है ना कि आप बहुत ही हैवी चूड़ियाँ पहनते हैं, तभी तो ब्राइडल का लुक आता है, राइट? सो ये बैंगल्स भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत काफ़ी टाइम से चल। सो गाइस, ये था मेरा रेड कलर का ब्राइडल का चूड़ी का सेट, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो एंड इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक चूड़ा का कलेक्शन है, मेरे पास दो चूड़े का कलेक्शन है। चूड़ा पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है रेड कलर का। एक्चुअली ये भी मैंने अपनी शादी के टाइम ही परचेज किया था। एंड इसमें जो बैंग ये कड़े आप देख रहे हैं ना, ये इसके साथ तो नहीं थे, मैंने अलग से परचेज़ किया था क्योंकि मैंने इसके बीच में लगाया तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें जाली जाली का काम हो रखा है और छोटे छोटे स्टोन लगे हुए थे। तो मैं समटाइम्स क्या करती हूँ, सिर्फ चूड़ा पहनती हूँ, और समटाइम्स क्या है, मैं इस टाइप से बीच में इसके कंगन लगा के पहनती हूँ। तो जैसे मुझे हैवी लुक होता है ना किसी साड़ी पर, मुझे हैवी लुक चाहिए, तो मैं ये बैंगल बीच में कड़े लगा लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं सिर्फ चूड़ा ही पहनना जीन्स पे, सूट पे, साड़ी पे कैरी करना प्रेफर करती हूँ। और जो नेक्स्ट चूड़ा मेरा है वो भी सिमिलर ही है पहले के, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्चुअली इसकी जो स्टोन्स जो कंगन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे कि आप देख रहे हो। ये भी मैं रेगुलर यूज़ में ही पहनती हूँ, मैं मोस्टली ये चूड़ा कैरी करना पसंद करती हूँ, चाहे वो जीन्स हो, सूट हो, मतलब इंडो वेस्टर्न लुक हो, वेस्टर्न लुक हो, या फिर एथनिक लुक हो, क्योंकि चूड़ा जो है ना वो हमारे सारे एथनिक वेयर, सारे कपड़ों पर चला जाता है। इंडियन जो वुमेन है वो चूड़ा पहनना प्रेफर करती है। इसके साथ भी दो बैंगल कंगन का सेट है जो कि आप देख रहे हो।
रहे हो, एक्चुअली ये कंगन का सेट नहीं है, ये दो ब्रेसलेट्स हैं जो कि आप देख रहे हो ना, एडजस्टेबल हैं, उसके साथ उसमें लटकन भी लगे हुए हैं। मुझे ये बहुत ही पसंद आया था तो मैंने इसे भी अलग से परचेज़ किया था। एंड गाइस सॉरी फॉर द वीडियो क्वालिटी, एक्चुअली मैंने घर पे ये जो शूट किया, घर पे जब मैंने ये रिकॉर्ड किया था वीडियो, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, उतनी क्लियरिटी नहीं आई है। अगर आपको अच्छा लगेगा मेरा ये कलेक्शन तो मैं आपके साथ दोबारा से शेयर करूँगी जब मेरे पास मेरा सारा कलेक्शन होगा। एंड ये भी मेरी साड़ी का सेट है, ब्लू एंड स्काई ब्लू कलर में। एंड एक ही एक स्काई ब्लू कलर का चूड़ी का सेट है, ये भी मैं रेगुलर में ही यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने साइड में दो छोटे छोटे पतले कंगन लगा रखे हैं। एंड गाइस सॉरी, आपको वीडियो क्वालिटी बिल्कुल ही अच्छी लग रही होगी ना, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड ये है एक चूड़ी और कंगन, मैं एक्चुअली डेली यूज़ में, रेगुलर यूज़ में ऐसे पतले से कंगन स्टोन के और साथ में रेड कलर की प्लेन चूड़ी पहनना पसंद करती हूँ मोस्टली। एंड गाइज ये मेरा एक चूड़ी का बॉक्स है, जैसे कि आप देख रहे हो ये कांच का बॉक्स है, ऊपर से ये कांच का है। इसमें मैंने अपने सारे साड़ी के मैचिंग की थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ लगा रखी हैं, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने ये करवा चौथ पे अपना मरून कलर का चूड़ी पहन रखा था, प्लेन चूड़ी विद स्टोन बैंगल के साथ में। सो मैं एक्चुअली प्लेन चूड़ियाँ पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, सो आप मेरे कलेक्शन में प्लेन चूड़ियाँ ज़्यादा देखेंगे। एंड ये एक मेटल की मल्टी कलर की चूड़ी है, चूड़ी का सेट है, जो कि मैं मोस्टली काफ़ी साड़ियों पे सूट पे पहनना प्रेफर करती हूँ। एंड ये मेरा लास्ट ईयर सावन की चूड़ी है जो मैंने सावन में पहना था। एंड गाइज मैं क्लोज़र से आपको अपना ये चूड़ी का बॉक्स दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो ये भी मेरी शादी के टाइम का ही है, उस टाइम से ही मैंने उस टाइम पे ही लिया हुआ था। इसमें मेरे सारे मैचिंग की जो चूड़ियाँ मैंने, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑरेंज, रेड, ग्रीन, येलो, मतलब थोड़े थोड़े मैंने सारे साड़ियों के मैचिंग रख रखे हैं, क्योंकि मैंने कंगन के साथ दो चार ऐसे लगाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मोस्टली तो मैं चूड़े ही पहनती हूँ। आई नो आप लोगों को भी चूड़े ही पसंद आते होंगे ज़्यादातर, क्योंकि वो हर साड़ी पे चले भी जाते हैं, आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रेड ऐसा कलर है ना जो हर आउटफिट पे चला जाता है। सो गाइज ये सारी मैचिंग की चूड़ियाँ हैं, इनके साथ मैंने गोल्डन भी रख रखा है, क्योंकि गोल्डन आप जानते ही हो ना, गोल्डन हर साड़ी पे तो उसका गोल्डन कलर का काम तो होता ही। एंड गाइज ये जो रेड कलर की चार चूड़ियाँ आप देख रहे हैं ना धागे की, एक्चुअली ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, ये कांच की चूड़ियाँ थी, मैंने इस पे धागे से खुद से करके रोल करके मैंने ये बैंगल्स बनाया है, मुझे बहुत ही पसंद है धागे की चूड़ियाँ। एंड ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हो ना, ये भी मेरी एक साड़ी का सेट है, मैं उसकी भी पिक्चर आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। एंड गोल्डन कलर का आप देख ही सकते हो, जैसे कि गोल्डन तो हर साड़ी पे जाता है। सो गाइज आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरा छोटा सा कलेक्शन, चूड़ी का कलेक्शन कैसा लगा। एंड मैं ट्राई करूँगी मैं अपना चूड़ियों का कलेक्शन का पार्ट टू भी लेकर के आऊँ, जो आई थिंक आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो रेड बटन को प्रेस कर दी, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।